ये मसूद अब्बासी साहब जी ने बेहतरीन काम कर रहे हैं माजी, और इन्होंने पानी का जो वादा किए ये बहुत ज़बरदस्त वादा किया इन्होंने इंशाल्लाह। अल्लाह पानी के वादे को तकमील तक पहुँचाए इंशाल्लाह, अल्लाह इनको कामयाब भी करेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो वादा करें इंशाल्लाह ये बेहतरीन अच्छा सही वादा करें, वादे पर इंशाल्लाह पहुँचेंगे ये वादे। शेषों के आवाम से हम यही अपील करेंगे कि मसूद अब्बासी साहब का साथ दें इंशाल्लाह, क्योंकि ये तरक्याती काम करवा रहे हैं इंशाल्लाह, इनका भरपूर साथ देना चाहिए आवाम। जिस हिसाब से ये काम करवा रहे हैं, पानी का मसला है, ये रोड का है, गलियों का है, ये मसला है इंशाल्लाह, ये वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह, इनको ये वादा पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए इंशाल्लाह। हमारे माशाल्लाह मकसूद अब्बासी को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, वो भाग दौड़ कर रहे हैं, बारिश के अंदर भी उन लोगों ने बड़ी भाग दौड़ की थी, और बंगियों को भी बुलाया था, बड़ी कोशिश की थी, बारिश के अंदर 2 महीने लगातार बारिश हुई थी, और अभी माशाल्लाह मकसूद अब्बासी काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हम आपको इंशाल्लाह ताला दुख का मौका नहीं देंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ दो, हमारे को ओढ़ दो इंशाल्लाह ताला, गलियों का काम भी करेंगे। और शेरशाह में पानी का ज़्यादा तकलीफ़ है, तो कह रहे हैं इंशाल्लाह पानी का भी आपका मसला हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहे हैं, और बस बन रहा है, और रोड की टिवेटिंग यहाँ तक थी, और माशाल्लाह मसूद भाई की मेहनत और काशों से रोड आगे तक मजीद बन गया। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मेरा पैगाम तो ये है कि मसूद भाई को तो वाजे वोट देना चाहिए, क्योंकि उसका हकदार वही है, और हकदार होने का मतलब ये है कि हमारे इस मोहल्ले में कोई आए नहीं, अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, और सिवाए वोट के। और अभी तो बिल्कुल जो सामने नज़र आ रहा है वो और कुछ नहीं तो काम से नज़र आ रहा है कि इस टाइम काम कौन करवा रहे हैं, तो काम जो है वो वाजे मसूद भाई करवा रहे हैं, अपनी मेहनत से करवा रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है शेरशाह में, गलियां बन रही हैं, सेवरेज का काम हो रहा है, ये कारपेटिंग हो रही है, और आवाम से एक ही दरख्वास्त है कि मकसूद अब्बासी का साथ देने कामयाब करें, और नेक्स्ट टाइम भी मज़ीद मामला हैं जो पानी के और दूसरे तीसरे इंशाल्लाह क्लियर करेगी पीपल पार्टी। उससे ये सोचना चाहिए कि हमने इनसे काम देना है, और ये ऐसे आदमी को मुंतखब करें जो कल अवाम के अंदर खड़ा हो सके। और मैं गारंटी से बोलता हूँ अब्बासी साहब आधी रात को भी फोन करेंगे, अब्बासी साहब पब्लिक के अंदर होगा, और पीपल पार्टी का सरगर्म कारकुन जिम्मेदार है, और माशाल्लाह अच्छी अच्छी कारकर्दगी है शेरशाह। गलियों में मतलब बंगी नहीं आते, बंगियों गलियों में हम लोग साफ करते, मतलब है कि क्या क्या पूरा करेंगे, हम लोग मुसीबत में वहाँ फंसे हुए, और वोट वोट के लिए तो रात के 12 बजे भी आते, मगर इलेक्शन के बाद नज़र ही नहीं आता कोई, और सब मिले हुए हैं, आने और जाने वाले सारे मिले हुए हैं, सारे हिस्सा लेते, आने और जाने वाले सारे हिस्सा लेते, सारे वो शेयर करते। हुक्मरानों को चेंज करो, पाकिस्तान को चेंज करो, पाकिस्तान में मतलब है कि इंसाफ लाओ, ये कहाँ है मतलब है कि यहाँ का पानी, जिना रोड का पानी कहाँ गया, बिल्कुल सूख गया, क्यों एक अलकमर से इस तरफ नाले तक पानी ही नहीं है, क्यों, क्या ये अफगानिस्तान कैसा है या पाकिस्तान कैसा है, और बेचने वालों को जो है मतलब है कि पानी मिलता है, बेचने सुजुकियाँ दड़ा दड़ दिख रही है, तो क्या बात है, हम लोगों के लिए पानी नहीं है क्यों, पीने के लिए पानी लिए क्यों, तो ये सोच के वोट देना चाहिए कि कोई हमारा काम करेगा, तो हमारा पानी नहीं है इधर, पानी का बहुत बड़ा मसला है, पानी का मुहैया करेगा, पूरे जिना रोड पर पानी नहीं है, जिना रोड पे पूरा पानी नहीं है। अच्छा, दूसरा सफाई का सबसे बड़ा मसला है, कुछ अरसे से बंगी सफाई वाला कोई नज़र ही नहीं आता, गलियों में हालत देखो तो कचरा कुंडियाँ बनी हुई है, आदमी को आइंदा वोट जो डलने हैं इस पर ये सोच रखनी चाहिए कि उस ऐसे आदमी को ढूंढे, ऐसे आदमी को वोट डालें जो कि ये निज़ाम ठीक करे, जिससे उम्मीद की जा सके। बिल्कुल सही बात है ये, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिना रोड मुस्तफ़ा मस्जिद के एतराफ़ के अंदर जो है ये कारपेटिंग का काम जा रहा है, जारी है, और इस सारे काम का सेहरा जो है हमारे मसूद रहमान अब्बासी शेरशाह UC5 के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं उनको जाता है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत और काविशों से ये काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आए दिनों बारिश और सेवरेज के निज़ाम में सैलाब का मंजर पानी पेश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, बहुत सारे MPA MN आ जाए लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी, सबको कंप्लेन हमने की, वर्बल भी की है, राइटिंग में भी की है, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है। हमने मसूद रहमान से रिक्वेस्ट की थी, हालांकि अभी वो वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने आप ये देखें कि ये हमारा इतना बड़ा इस मोहल्ले का दरीना मसला था सेवरेज का और कारपेटिंग का, वो हमारा हल कर दिया है। हम अहले मोहल्ला मुस्तफ़ा मस्जिद मसूद रहमान अब्बासी का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपके सामने मुख्तलिफ गलियों में हमने पेवर ब्लॉक भी किया, सेवरेज का काम भी किया, और उसके अलावा हम कारपेटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो शेरशाह का दरीना मसला है वो है पानी का मसला, उसका मेन मसला ये है कि वहाँ यहाँ पर लोगों ने खास तौर पे जो सबका चेयरमैन वाइस चेयरमैन या MP MNA रहे
ज़ाहिर है MPA मैंने पहले MQM के थे, अभी PTI के चेयरमैन वाइस चेयरमैन यहाँ पर नून लीग के। अब लोगों का गुस्सा भी अपनी जगह बजाय, ज़ाहिर है पीने को पानी नहीं मिलेगा, गरीब आदमी पानी कहाँ से लेकर आएगा। अब लोगों की हमने हालांकि यहाँ पर लाइन डाली है, लेकिन उसका गलत टच होने की वजह से अभी तक यहाँ पर पानी नहीं पहुँच सका, उसके हम भी ज़िम्मेदार हैं। उसमें अब काफ़ी हद तक हम अपने आप को भी ज़िम्मेदार समझते हैं कि यहाँ पे पानी आना चाहिए था, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये थी, ना यहाँ हमारा चेयरमैन आया, ना कौंसलर आया, कोई मुंतखब नुमाइंदा हमारा यहाँ नहीं पहुँचा, और इस वजह से यहाँ पर लोगों के मसाइल बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जा रहे हैं इलेक्शन में, और हमारी ये कोशिश है किसी तरीके सबसे पहले पानी के हवाले से, आपके ग्रुपों में भी काफ़ी वो हमने चलाया था K3 के हवाले से, वो लाइन हमने अप्रूव कराई है। 8.5 करोड़ का हमने यहाँ बजट लेकर आए, वो हमने अप्रूव कराया हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह शेरशाह के अंदर 3 इंच माल यहाँ लोग देख सकते हैं, कारपेटिंग हो रहा है, और प्रेस होने के बाद 1.5 या 2 इंच रह जाएगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम करके लोगों को ये बताया कि पीपल पार्टी काम कर सकती है, हम तो लगे हैं भरपूर तरीके से। देखें, सबसे पहले तो लोग ये ज़रूर सोचें कि जो बलदियाती इलेक्शन 2 बार डिले हुए, कौन मैदान में था और कौन भागा। हमारे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम ही खड़े थे, बाकी कोई यहाँ पे खड़ा नहीं था जो काम कर रहा हूँ। यहाँ मुस्तफा रजाक भाई आई साहब खड़े हुए, आई रजाक साहब खड़े हुए, अब्बास भाई हैं, बाकी अलम उल्ला खड़ा है, हमने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कराए। और लोगों को ये बरसात को सोचना चाहिए, जो बरसात हुई यहाँ कीचड़ बना, कौन बंदा था जो यहाँ पर इस कीचड़ के अंदर उतरा हुआ था, कौन बंदा था गाड़ियाँ लेकर आ रहा था, कौन बंदा था जो काम करा रहा था, क्योंकि वही बंदा काम कर सकता है जो उस कीचड़ में। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक ये रोड होने जा रहे हैं, इसके बाद ए ब्लॉक हम कारपेट करने जा रहे हैं, यानी कि अगर करप्शन होती तो हम ये काम एक भी नहीं होने देते। ये करप्शन सबका चेयरमैनों ने की, एक ने पूरे इलाके में वायरस फैलाया, शेरशाह की गलियों को खंडर बनाया, रोड बर्बाद किए, तबाह बर्बाद किए, पानी का निज़ाम बर्बाद किया, आज फिर इत्तेहाद के साथ खड़े हुए, किसी को एक ने इत्तेहाद किया। मेरे को हैरत होती है किस मुंह के साथ वो खड़े और किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। इधर हमारे हबीब साहब थे, उनकी हालत आप देख लें, आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाते हैं लोग उनको बेइज्जत कर रहे हैं। तो बात यह कि हम कह रहे हैं कि कामों को हम लेकर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम ये खाली ये नहीं, हम ना हो के इतने काम करा सके, जीत के इससे डबल ट्रिपल काम करेंगे, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट पीएल पार्टी की है, फंड पीएल पार्टी ला सकती है, काम पीएल पार्टी करा सकती है, तीर का निशान, जीत का निशान, ये रोड और ये गलियाँ जो बन रही है इस चीज़ का सबूत है, लोग देखेंगे सिर्फ पीएल पार्टी काम करा सकती है। बड़ी बारिश होती थी, बहुत पानी जमा हो जाता था, ये आबासी साहब की बड़ी मेहरबानी है, बड़ा काम करवा रहे हैं, ये हमारी गलियाँ सेवरेज, ये रोड का काम बहुत अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह। ये इसी बंदे का ही मतलब, ये इसको ही तौफीक अल्लाह पाक ने दी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये शख्स जो है, इसके अंदर कोई खुदादाद जो है वो ये खिदमत के जरासीम अल्लाह ने पैदा किए हैं, क्योंकि ये कारीगिरी से, ये बातों से तो होता नहीं है। मैं तो इनको कल भी इनको सपोर्ट कर रहा था, आज भी इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, इनकी आंखों में और इनके दिलो दिमाग में मुझे जो है ना खिदमत ही खिदमत नज़र आ रही है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक इनको कामयाब फरमाए। अगर शेरशाह वाले आंखें और दिलो दिमाग रखते हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो बोलने की ज़रूरत नहीं कि काम बोलता है, नज़र आता है। तो हमें जो नज़र आएगा हम बोलेंगे, और जो अगर उसके बाद भी अगर कोई अकरबा परवरी या मतलब ऐसे करेगा तो फिर उसकी अकल पर मातम करने को जी जाता है। अदा करो अब्बासी भाई का, जिन्होंने हम लोग का शेरशाह रोड बनाया है। बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया देख के, उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा माल डलेगा। माशाल्लाह अब्बासी भाई ने जो कहा वो करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे आगे भी जाकर अब्बासी भाई शेरशाह के साथ ऐसे ही करते रहें, हमारी इनके से दुआएं हैं, हम इनके साथ हैं हर हाल में हर वक्त इंशाल्लाह। बस वोट डालने से पहले 1 मिनट के लिए ये सोचें कि वोट उसको दें जो काम करा सके, बस भाई ये एक ही पैगाम है। ये ना हो कि वो वोट लेने के बाद वो गाड़ियाँ बंगले घर बना रहा हो और हमारे शेरशाह का कुछ ना कर सके। वोट डालने से पहले जब रूम में आप जाएं तो ये लाजमी सोचें कि उसको वोट दिया जाए जो पावर में है, जो कुछ कर सकता है, बस कोई भी हो। लेकिन हमारे लिए अब्बासी भाई, हमें पता है कि इंशाल्लाह आज और कल अब्बासी भाई हमारे साथ हैं, हमारे शेरशाह का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन है आइंदा इंशाल्लाह।